गिरीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी, भाई और मैं, क्योंकि मम्मी है बीमार, वो है रेस्ट मोड में और भाभी गई हुई है नहाने, क्योंकि उन्होंने झाड़ू पोछा कर लिया है, उन्होंने अपना टास्क पूरा कर लिया है। ये टास्क है आजकल हमारे। तो अब है बारी भैया और मेरी, हम दोनों नाश्ता बना रहे हैं। हमने पाव भाजी बनाने का सोचा। पाव हम पहले लेके आए हुए थे, तो भाजी का मसाला और मटर अभी लेके आए हैं। अब भैया प्याज काटने लगे हैं, तो देखते हैं कैसी बनेगी। हमने कभी ट्राई नहीं की। भैया आपने कभी ट्राई की है वैसे? नहीं, पहली बार बना रहे हैं भैया। और तू क्या, तू हेल्प नहीं करेगी आरती हमारी? मैं हेल्प करूंगी ना खाने में, और खाने वाला कोई नहीं होगा तो बना के किसके लिए। वाओ, थैंक यू सो मच। कभी कभी काम करना चाहिए। ये काम बहुत मुश्किल है भाई, खाना बहुत मुश्किल है। मैंने ये सोचा है, मैंने देखा है, बनाना तो क्या है, मिनट में बन जाता। खाना अभी अभी मिनट में बनाएंगे ना तो पता लगेगा। हाँ चलो ठीक है। वैसे मैं कह रहा हूँ आरती वीडियो शूट करेगी और हम काम करेंगे, ठीक है ना? आजा आरती। क्या बात है। थैंक यू सो मच। हमारे खान साहब हमारे लिए केक लेके आए हैं। थैंक यू सो मच। आइए काट लेते हैं। ये कौन सा केक है वैसे? अच्छा, 200 के का। क्या बात है, क्या बात है। वाओ यार, आइए देखिए। ये क्या बात है, क्या बात है। मम्मी है मेरे बीमार, तो ना वो अभी अंदर है, पापा आए ड्यूटी से सुबह 6 बजे, मुझे तो लगता है अभी ना रही है और मेरी घरवाली चली गई है। अब हम बड़ा भाई मैं और आती है, अब हम केक काटते हैं। चलो हम केक काटेंगे। घर में केकों की बोछार हो चुकी है। इसमें था नॉर्मल, नहीं इससे तो आप केक की मार्केट खोल ली है हमने। और पांचवा केक। थैंक यू सो मच हाफिज। ये हाफिज खान है हमारे। चलो काटे जी। चलो अब इसमें विश क्या करें हरी? कंग्रेचुलेशन। तो हम तो बना रहे थे पाव भाजी, बीच में ही केक कटिंग हो गई है। तो मनु केक खाएगा ये वाला? इसके लिए मैं जेली लाया, वो खा रहा है। केक मैं ही खा लेता हूँ। जस्ट जेली, बढ़िया था, मजा आ गया। ये देखिए गाइस, यहाँ पर प्याज कट रहा है। गिरीश भाई साहब प्याज की हत्या कर रहे हैं बारीक बारीक। यहाँ पर बड़े भाई साहब ने बारीक बारीक काटी है शिमला मिर्च, अभी निकाल रहे हैं मटर। और मैं बना हुआ हूँ कैमरा मैन हरे भरे मटर। हरे भरे मटर मनु महाराज जी क्या कर रहे हैं? मनु महाराज जी ने पकड़ रखी है गन एक हाथ में, यहाँ पे डायनासोर फैला रखे हैं और ये देख रहे हैं कार्टून। डायनासोर अंदर तो है, क्रोम अंदर है और क्या, प्रिंट कर दिया बार। आज दोनों भाई मिलकर बनाएंगे पाव भाजी और हम खाएंगे पाव भाजी। मैंने उड़ाई दी ऐसे, मैंने क्या किया, सामने से उड़ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो पाव भाजी के लिए ना आपको बारीक बारीक प्याज काटने पड़ते हैं इस तरीके से। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बीच बीच में फिर भी ये बड़ा बड़ा पीस आ जाता है। भाभी से पूछ लिया है ना भाभी? ठीक है भाभी जी, क्या कृष भाई सही काट रहे हैं प्याज? हाँ सही काट रहे हैं बिल्कुल। ये मटर सही छीन रहा हूँ मैं। भाभी कैसे स्टूपिड क्वेश्चंस करते हैं ये, है ना? और क्या, शिमला मिर्च तो सही काटी है भाई साहब का। अच्छा है जो पीस नहीं है बीच में, तो कोई नहीं है। अच्छा हाँ, ये सब पीसना है ना, ये दोनों पीस कम, ये पीसना के ना कम लगेगा ना, तो उबालने हैं तब जाके थोड़े वो होंगे, तो जो तो क्या है कमजोर लगेगा मशीन को, छोटे पीस कारण पीस जाएगी बोलेगा। भट्ट परिवार को इतना फेमस कर देंगे, इतना फेमस कर देंगे, इतना फेमस कर देंगे, किसी ने सोची ना होगी। जय उत्तराखंड, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, जय पंजाब, जय जवान जय किसान। बीच में कमेंट आ जाएंगे पंजाब वालों का नाम नहीं लिया।
तो इसलिए जय पंजाब, जय उत्तराखंड, जय इंडिया, भारत देश की जय, भारत माता की जय, हमारा देश महान, जय धरती माँ, जय गौ माँ, जय मनु, जय डायनासोर, जय मनु, जय डायनासोर, जय पेपा पिग। ग्रीष्म के सबर का बांध टूट चुका है, आंख से आंसू बह चुके हैं। अब देखो गिरीश मोटा मोटा प्याज काटने लग गया। स्टार्टिंग में बहुत बारीकी से काम किया हमारे कारीगर ने, अभी भी पतला ही है बेटा, इतना भी मोटा नहीं। बस रहने दे, इसने साथ साथ मिला दिया, बड़ा चलाक है, इतने बड़े बड़े पीस करके ऐसे फैला दिए थे ना इसने, मैं साथ साथ कैमरा ऑन कर लिया, इस चलाक ने मिक्स कर दिया बीच में। या दमी तो कितनी ता आ आ भैया ने घड़ी सा आ आ भाभी ने घड़ी सा आ आ ओ ग्रीश हुआ घायल। आखिर क्या हुआ ग्रीश को, ऐसा क्या कर रहा था ग्रीश ऐसा कि उसकी उंगली में इतनी चोट लग गई? चाकू उठा के अभी प्याज काटने ही लगा था कि अचानक ब्रेक के बाद देखने गया। आगे की स्टोरी देखनी है तो बने रहिए हमारे साथ ब्रेक के बाद। एक से बढ़कर एक कलाकार है हमारे घर में। देख लीजिए दोस्तों, प्याज कट गया है, आलू उबाल दिए हैं, पाव वहाँ पड़े हैं अभी, और यहाँ पे मटर और शिमला मिर्च, मटर को हम जा रहे हैं उबालने, पानी रख दिया गर्म करने, तो मटर भी उबल जाएंगे तो टेस्टी बनेगा नाश्ता। आज मेनू में क्या है मामा, क्या चाहिए विकास ही ड्रामा। देख लीजिए हमारे मटर उबल गए हैं और भाभी जी दूध भी ले आई है, और ये देख लीजिए भैया ने टमाटर भी काट दिए, मिर्च भी काट दी, और लहसुन छील रहे हैं। हाँ जी, मम्मी इंतजार कर रही थी दूध वाले का, क्लास ले लिया आते मम्मी दूध वाला आया, मम्मी वैसे ही हाथ लेके गई बाहर जाके क्लास ले ली उसकी। दूध सही थे, दूध तेरा दूध सही नहीं आ रहा है। तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नाश्ता अच्छा बन जाए, तो देखते हैं कैसा बनेगा। ये देख लीजिए सामान तैयार है, हमने इसके बीच में अब डाल दिया है रिफाइंड, अब डालने लगे हैं बटर। बटर तो देख लो जी, जान होती है पाव भाजी की, आप सभी को पता है, और जैसे कि भाई की जान भाभी है वैसे ही बटर जैसे ग्रीस की जान परब है। हाँ तुम मर जाना बोलने से बीच में है। भाभी भी प्याज काट रही है, हमारी मदद कर रही है, थैंक यू भाभी। प्याज डाल तो दिया था, नहीं पाव के साथ खाने के लिए, अच्छा अलग भी चाहिए, वो हम भूल ही गए थे ना, भाभी ने याद रखा, भाभी अलग से काट रहे हैं, थैंक यू भाभी। ये भी सारा मिस गया है, ये हो गया सारा कुछ तैयार है काम, आलू भी और ये भी, ये अंदर क्या हो गया अब, बस वो बन रहा है। सबसे पहले डालना है अदरक, डालिए डालिए डालिए, गाइड मैं कर रहा हूँ पीछे से, भाई बना रहे हैं बस, क्योंकि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ ना। ये है लहसुन, वैसे हम दोनों भाई बहुत अच्छे शेफ हैं, बहुत कमाल के भाई, जो मैगी बनाता है ना वो मैंने सिखाई है भाई को। सही है सही है। भाभी आपको कोई मैगी बना के खिलाई है भाई ने? हाँ। कब खिलाई? बहुत बार खिलाई है। अच्छी बनाता है बेकार बनाता है? मस्त, मेरे जैसी। ओके चलो ठीक है, सीख गया फिर। वो सीधे का देखो लम कैसे लटकी हुई है नीचे, ये क्या है, मक्खी है ना। हाँ चल मेरी बेटी को तंग नहीं करना। यस, अब इसको घुमाया जाए। अब डल रहा है प्याज बटर में ना, प्याज को जो पकने में टाइम लगता है इसलिए ज्यादा टाइम लगाया करो, सीखो हमसे कुछ। ठीक है ना भैया, ये भैंस भी आ गया देख लो, ओए मंदिर में पूजा पाठ करके आई है, ओ यहाँ से पानी भर के लेके जा रही है। प्याज भूनने के बाद हमने टमाटर डाल दिए हैं, अब उनको हल्का हल्का भून रहे हैं, और अब इसके बाद डलेगा शिमला मिर्च। तो आप समझ ही रहे होंगे, जिनको आती है उनको तो पता ही है कैसे बनाना है, जिनको नहीं पता उनको हम बता रहे हैं, तो आप आराम से और अच्छे ढंग से बनाना है इसको, ठीक है ना। और देखते रहो दोनों भाई कैसे मिलकर बना रहे हैं पाव भाजी, पाव भाजी, और घर वालों को बेवकूफ। अरे भाभी की स्मूथनिंग, ओए सिंड्रेला, सीड निकलने वाला रीला। अभी कह रही है आप लोगों से मसाले सही नहीं पड़ेंगे, तो खुद आ गई है डालने, तो डाल लो डाल लो। पाव
पाव का स्वाद खराब करोगे तुम। पाव का पाव खराब ना कर दे, लंगड़ा लंगड़ा भाजी बन जाए। पाव पाव भाजी के लंगड़ा भाजी बन जाएगा। ये मसाला डल गया है, अब मेन मसाला। ये पाव भाजी मसाला, इसमें क्या होता है भाभी? मैंने सुना इसमें हड्डियां होती हैं। ये पाव भाजी मसाला, अब ये तो पूरी फैमिली का ही हो गया, अब भाभी भी इन्वॉल्व हो गए हैं, आरती भी। आरती बन गया खाना? बन रहा बेटा, बन रहा है। लाओ जल्दी। अरे बनेगा बच्चा, जल्दी लाओ, भूख लग रही है। अरे बनेगा, अरे बनेगा बच्चा, अरे बनेगा, अरे बनेगा बच्चा, अरे बनेगा, अरे बनेगा बच्चा, बनेगा बच्चा, बच्चा। भूख लगी है, खाना लाओ। सिजुका भी उठा दी तूने, देख ले। सिजुका आप भी बोलो, भूख लगी है खाना लाओ, भूख लगी है खाना लाओ। कान हिल रहे होंगे। यस, सही है सही है। बन गया बन गया बन गया, तैयार हो गया। तैयार आपने भुनना है, जब इस कलर का हो जाए, इस कलर का, इस कलर का अच्छे से भुन जाए तो फिर आपने डाल देना है आलू। ये आलू जा रहा है बीच में, और ये है मटर, और क्या था इसमें? मटर ही होंगे। मटर, ये क्या बन गया मटर का? मटर पीस दिए ना, उबाले थे ना मटर हमने। हाँ, उबाल के पीस दिए। क्या बात है, अभी आप धोए थे आपने? मिट्टी वाला खिलाऊंगी। मैंने अभी आपको देखा था, पसीना पोंछते ना, मैं कहीं झाड़ू लगा के हाथ धो के आई हूँ मैं। आरती तू क्या देख रही है, तू बनाएगी अपने घर में फिर ये? नहीं तो बनाया आरती ने शायद एक व्लॉग, पाव भाजी। नहीं व्लॉग नहीं बनाया, पहले बनाया था। ऐसे भी बनाया था सर्दी में, आता तेरे को बनाना? मैंने पर ऐसे नहीं बनाया था, मैंने सब्जियों को बॉईल करके ना। हाँ तू तो हर चीज अपने तरीके से बना देती है, केक भी जैसे मतलब मस्त, मतलब बॉईल ही होते हैं इसमें। अब आलू तो पहले उबले पड़े थे। हाँ हाँ हाँ, उबले पड़े थे, आ गया पत्रगढ़। बॉईल ही होते हैं, आ गया। तेनू एक गल आखा, अगे शेयर ना करी, नहीं करते। अब ये बन रहा है, देख लो दोस्तों, इसको भूनना है कच्चे। इसमें थोड़ा सा पानी नहीं डालना, अभी भूनना है थोड़ा सा। ओके, पाव भाजी की ऐसी की तैसी। ये देखो, दिख रहा है मेरी भाभी का डोला? ये देखो अभी काम पहाड़ के बाहर आ रहा है डोला, बाहर पूरा काम आ रहा है अभी। ये देखो, ये देखो, ताकत की जरूरत है अभी। भाई को साइड कर दिया, भाई को साइड कर दिया, बोला आपसे नहीं होगा साइड, मैं करती हूं। ये होता है मतलब की ना, इन औरतों से रहा नहीं जाता, ये जो जनानियां होती हैं ना, जनानियां। हाँ, मतलब कि इनके अंदर एक जज्बा होता है कि हम ही काम करें, तो ये आ जाते हैं रसोई में। इनको लगता है कि बेकार बनेगा, उससे अच्छा पैक नहीं देता, खुद ही बना लो, बेकार खाना पड़ेगा नहीं तो। ये बन रहा है, मसाला बन गया है दोस्तों, अब पानी डाला जा रहा है ताकि थोड़ा सा ज्यादा खाया जाए। और अच्छा भी लगे। भाभी इसका अलग अलग रंग भी होता है ना, एक ऑरेंज रंग की बनती है। इसमें डालेंगे अभी देगी मिर्च, रुक जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कह रंग नहीं आ रहा, मैंने कहा गलत नहीं बोला, मैंने कहा पूछ लूंगी, रंग अलग अलग तो नहीं होते? कही गए हमारे यहाँ ही ऐसा ही होता है। इसलिए मैंने ऐसे घुमा के से पूछ लिया। अब भाभी बताएंगे इसमें क्या क्या डाल दिया है। इसमें हमने पानी के बाद डाला देगी मिर्च, और कलर के लिए डाली जाती है। वो कलर के लिए डाली जाती है, बस स्वाद के लिए नहीं डाली जाती। उसमें मिर्च नहीं होती ना, वो कलर के लिए डाली जाती है। तो उसको देगी कहते, सिर्फ मिर्च क्यों गए देगी? उसके बाद टमाटो सॉस डाली है थोड़ी, और कसूरी मेथी डाली है। कसूरी तेरी न पूरी, कसूरी मेथी का कसूर क्या था ये तो बता दो। कसूरी कसूर है उसका। भैया कसूरी मेथी का क्या कसूर था? कस्तूरी मेथी का क्या कसूर था? ये कैसा जो क्वेश्चन हुआ? कसूरी है, कस्तूरी नहीं है। हाँ। कसूरी मेथी का क्या कसूर था जो उसका नाम कसूरी रख दिया? कसूरी मेथी का यही कसूर था कि वो कहाँ, कश्मीर में उगी थी। पता पता भी है नहीं। आरती बेटा कसूरी मेथी का क्या कसूर था? कसूरी मेथी का यह कसूर था कि
उसने कसूर किया था। अच्छा, और ये देख लो आरती रिप्लाई कर रही है। क्या जाना? उसको सेक से जॉब बन लेके आओ। हाँ, यस। भाभी बड़ा यम्मी यम्मी लग रहा है, खाएं? बनने तो दो। ये काम का? ये तो काम फिनिश है ना, ये तो बन ही गया, बन गया। हाँ, थोड़ा सा बस थोड़ा अभी गर्म होगा। तो हमारे पाँव रेडी हैं, पाँव नहीं पाओ, पाओ रेडी है हमारे। अब पाओ करेंगे गरम, बीच में से कट मारे जा रहे हैं बर्गर की तरह। यो, इसमें डाला जाएगा बटर, इसमें डाला जाएगा बटर, और इधर मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। भाभी इसको कितना टाइम करना चाहिए ऐसे? किसको? इसको, सब्जी को, भाजी को। उबाल आ तो रहा है उसमें, थोड़ा थोड़ा अच्छे से आने दो ना फिर। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अच्छे से आने दो ना फिर। बादर कढ़ाया था बीच बीच में। मोंजुलिका आए थे भाभी के बीच में, थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। तो उबल गया भाभी, अब तो उबल गया, बस करो। तू मोंजुलिका निकाल के छोड़ेगा क्या? ए भैया का टैटू देखो पीछे वाला, ओए होए होए होए, क्या बात। भाजी बनके तैयार है, अब पाव गरम हो रहे हैं। पाव गरम होते हैं जैसे धूप में जब हम छत पे जाते हैं ना कपड़े सुखाने, कपड़े उतारने, वैसे ही यहाँ पे पाव गर्म हो रहे हैं। यस, ये है बटर। दोनों पति पत्नी लगे पड़े हैं, चम्मच कहाँ है, ये कहाँ है, फलाना कहाँ है, झमकाना कहाँ है। हम ले रहे मजे। वीडियो शुरू हुई थी, हम दोनों भाई ने बनाना था। धीरे धीरे वीडियो ने ये रूप लिया, मैं वीडियो बनाता ही रह गया, मैं आउट हो गया, भाभी इन हो गई है, भाभी लगी पड़ी है। चलो मिलजुल के ही होता है काम। तो इस ब्लॉग का नाम है सबने मिल के मिलके बनाया पाव को भाजी। पाव आपके दोनों बेटे और बहू पाव भाजी बना रही है, आपको कैसा लग रहा है? सही नहीं है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा। तो क्या लग रहा है कि कैसी बनी होगी? अच्छा बना होगा, खाना ही बनाते हैं। हैं, चलो जल्दी लेके आ रहे हैं आपके लिए, पहली प्लेट आपके लिए लेके आए। ये पहली प्लेट तैयार है, 50 रुपए की प्लेट। इतनी की मिलती है भाभी? पापा ने कब से खाई। भाभी कह रही मैं ही दूंगी मम्मी को जाके। आ जाओ मम्मी, इधर लाते हैं आपके। ए प्याज भी अलग से, ओए होए होए, बड़ा स्वाद लग रहा है। थैंक यू, लग तो स्वाद है। अच्छा बना होगा इसी का, पहले टेस्ट करके बताओ। ये मम्मी पापा जी खा रही है, तो मम्मी बताएंगे कैसा लगा, बताइए मम्मी। स्वाद है? यस, बहू की तारीफ कर दो फिर। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहू ने डाला है मसाला। यस, हम तो साइड वर्क है, हम साइड बिजनेसमैन है। वैसे सारी मेहनत तो हमने की है, भाभी एंड में आके नंबर लगी है। वैसे मैं सही बताऊं तुम्हें, ये बात है, पता नहीं ना क्या करके कांड ऊपर मेरा आएगा ना, इसने बताया था करके ऐसा बना। चलो ठीक है जी, अब हम ना चेयर में ऊपर बैठने वाला ही नाम कमाता है मजदूर। अब हम सब मिलकर खाएंगे पाव की भाजी प्लेट। मन्नू और मैं एक प्लेट में खाएंगे, है ना मन्नू? सब इसके साथ खाओ ना, अकेला नहीं खाना, इसके साथ खाओ। मम्मी बहुत खुश है, मम्मी को बहुत स्वाद लगा। यस, देवर जी से भी पूछते हैं कैसा बना। बताओ। सब दुकानें फेल हैं, सब रेस्टोरेंट फेल हैं, सब ढाबे फेल हैं, बेस्ट बनाया आज भाभी। थैंक यू सो मच, बड़ा टेस्टी लग रहा है, मजा आ रहा है। और तभी तो इतना बड़ा प्लेट रखा, जब भाग जाता है। भैया की भी बारी आई, बहुत टेस्टी बना, मजा आ गया खा के। वैसे ही लग रहा है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छा लग रहा है, ये नेचुरल भी है। अपने हाथ से बनाया, साफ सफाई से बनाया, थोड़ी सी कमी है बटर की बस। बटर की कमी वो मेरी कमी है, क्योंकि मैं एक ही टिक्की लाया था, फिर जूसी कर दी मैंने। आधी तो खा रही थी। हाँ, कैसा लग रहा है खुद का बनाया हुआ? पर थोड़ा सा टेस्ट तो मेरे हाथों का भी आ रहा होगा। हाँ बेटा, कैसा बना है? मजेदार खाना। ये देखो मम्मी, आरती, अपना भतीजा, भाभी सब खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, भैया अकेले देख लो मेहनत कर रहे हैं। ये है बड़े भाई का सैक्रिफाइस, बड़े भाई जैसा कोई बन नहीं सकता मेरे।
तो अब भाई को मैं कह रहा हूँ जल्दी से करो, एक साथ खाते हैं जो दो तीन बच गए मेरे। वेरी नाइस, मजा आ गया भैया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा बोल रहा है। भैया भी आ गए खाने, तो वो तो निकाल लो, मुझे उंगली निकाल। तो थैंक यू सो मच भैया इतना अच्छा पाव भाजी बनाने के लिए। भाभी मैं, मेरा भी थैंक यू बोलो सारे। वीडियो बनाने के लिए, आइडिया भैया का। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपको भी पाव भाजी बनाना आ गया होगा, आप देखकर बड़ा टेस्टी बनाए, तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। एक साथ खाने में जो मजा है वो अकेले खाने में बिल्कुल मजा नहीं है। तो एंजॉय योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।